हेलो दोस्तों, आरओ यारो 2023 के इस निशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को 9 वीडियो के माध्यम से पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देख लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को कवर कर सकें। और अब हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति को कवर कर लिया है। और आज भारत के भूगोल पर तीसरा वीडियो है, जिसमें कि हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्रम से चलना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं, क्योंकि इस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप विभिन्न किताबें पढ़ते हैं, आप क्लासेस करते हैं, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो आप अपनी क्षमता या फिर तैयारी का सही मूल्यांकन कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटेलेक्टो आपके सामने एक टेस्ट सीरीज लेके आया है। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत देखिए आपको क्या-क्या मिलने वाला है। इसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें जीएस और हिंदी के प्रश्न आयोग के नवीनतम पैटर्न पर शामिल होंगे। ठीक है, एक मॉक टेस्ट में 140 क्वेश्चन आपको जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, जैसे कि आयोग का पेपर होता है। और ये सारे क्वेश्चन आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वही घिसे पिटे क्वेश्चन हो, यहाँ पर आपको बहुत से प्रश्न नए और स्तर वाले देखने को मिलेंगे। आप इसके लिए डेमो भी ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ एक चीज हम लोग फ्री भी दे रहे हैं, वो क्या है कि प्रत्येक माह से 150 करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न ये आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ निशुल्क मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लगभग 12 महीनों के हम लोग आपको करंट अफेयर प्रश्न देंगे। तो 12 × 150 लगभग 1800 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के भी मिल जाएंगे। तो आपकी करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी इन प्रश्नों के माध्यम से ही हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा कि टेस्ट के बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से विस्तृत व्याख्या भी मिलेगी, ताकि उस प्रश्न से संबंधित और भी जो फैक्ट हो वो भी आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 3000 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है, 1800 क्वेश्चन ये हो गए, लगभग आपको 4800 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। और कितनी फीस है, मात्र 349 रुपये। मतलब आप खुद समझिए, 349 रुपये में आपको 4800 प्रश्नों का अभ्यास करने को मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए तो ये नंबर दिया गया है 86 30 24 69 05 86 30 24 69 05। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़िए और दबाकर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपनी क्षमता का मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना को। भूगर्भिक मतलब जमीन के नीचे, ठीक है, और भूआकृतिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जमीन के ऊपर की बात करेंगे। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में ये पृथ्वी आखिर कैसी थी। तो इसको सबसे पहले बैगनर महोदय एक थे, उन्होंने समझाया है कि शुरुआत में जब कार्बोनिफेरस युग था, ठीक है, कौन सा, कार्बोनिफेरस युग, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस युग में पृथ्वी का समस्त भूखंड आपस में जुड़ा हुआ था। तो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का समस्त भूखंड आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था। इसको मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके, ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिखें। इस तरीके से देखो तो पृथ्वी का जो समस्त भूखंड था वो कार्बोनिफेरस युग में आपस में जुड़ा हुआ था। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था पेंजिया। ठीक है, जो समस्त भूखंड कार्बोनिफेरस युग में जुड़ा हुआ था, यानी कि जैसा हम आज देखते हैं कि पृथ्वी विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों में बटी हुई थी, बटी हुई है, सॉरी, वो कार्बोनिफेरस युग में ऐसी नहीं थी। तब क्या था, जो समस्त भूखंड था वो आपस में जुड़ा हुआ था और सिर्फ एक महासागर था, जिसे कि पैंथालासा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, पैंथालासा।
पैंथालासा। तो समस्त जो भूखंड था वो पैंजिया था, और समस्त जो पानी वाला क्षेत्र यानी कि महासागर जिसे कहें वो था पैंथालासा। अच्छा, इसी पैंजिया के दो भाग थे, तो उत्तरी भाग जो था वो था लॉरेशिया, ठीक है, क्या नाम था उसका, लॉरेशिया, जिसे कि अंगारा लैंड भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अंगारा लैंड, यानी कि जो पैंजिया का उत्तरी भाग था उसे लॉरेशिया कहते थे, और जो दक्षिणी भाग था उसे बोलते थे गोंडवाना लैंड। तो इसी पैंजिया के दो भाग थे, उत्तरी भाग था लॉरेशिया जिसे कि अंगारा लैंड कहा जाता था, और दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर क्या हुआ कि समय के चलते इस पैंजिया में विखंडन होना प्रारंभ हो गया। आप सभी को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप क्या बोलते हैं वैकल्पिक विषय के लिए भूगोल को जब डिटेल में पढ़ते हैं, अब तो खैर यूपीपीसीएस से भी वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया है, लेकिन आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो पृथ्वी विभिन्न भूगर्भिक प्लेटों पर टिकी हुई है, ठीक है, और ये जो प्लेटें हैं ये चलायमान हैं, ये चलती रहती हैं, इनमें आपस में टकराव होता है और इनमें गति होती है। तो उसी चलायमान प्लेटों के कारण इस पैंजिया में आगे चलकर, मतलब कुछ सालों नहीं, ये बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व की बात होती है, ठीक है, तो काफ़ी वर्षों बाद क्या हुआ कि इस पैंजिया में विखंडन हो गया, जिससे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग अलग हो गए, और जो बीच में पानी भर गया तो जिस सागर का निर्माण हुआ उसका नाम दिया गया टैथिस सागर, ठीक है। तो पैंजिया एक भूखंड था, उसके बाद समय के चलते इसमें विखंडन हुआ जिससे कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग अलग हो गए, और जो बीच में पानी भर गया उसे टैथिस सागर कहा गया। उसके बाद समय का चक्र चलता रहा, और इनमें क्या होता रहा, ये जो भूखंड थे ये तैरते तैरते अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त हो गए, ठीक है। जब आप वैगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन उनसे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतने डीप में कभी नहीं पूछेगा। बस आपको ये समझना है कि समय के चक्र के चलते इनमें लगातार विस्थापन होता रहा, और उसके बाद आज यह पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। देखो कैसे, अब यहाँ पर क्या हुआ आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये जो पैंजिया के दो भाग थे, कौन कौन, एक लॉरेशिया उत्तरी भाग और दूसरा गोंडवाना लैंड, तो जो इनमें विखंडन के बाद जब ये इधर उधर विस्थापित हुए, तो जो अंगारा लैंड यानी कि जो लॉरेशिया था वो आज का क्या है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ठीक है। लॉरेशिया वाला पार्ट यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, उसके बाद जो पैंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था वो आज का प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर हैं, ठीक है। तो जो भारत है वो मोस्टली इसी गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसमें प्रायद्वीपीय भारत आता है, बाद बाकी ऊपर वाला जो भाग है वो लॉरेशिया है, ठीक है। तो मुख्यतः भारत गोंडवाना लैंड से संबंध रखता है। तो ये इस तरीके से पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना भी आप लोगों ने थोड़ा सा देखी, और भारत के संदर्भ में आपने जाना कि भारत मुख्यतः इस गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसी भारत के नीचे की जो भूगर्भिक चट्टाने हैं आखिर उनमें, पहले तो यही कि कौन कौन सी हैं, कहाँ पर स्थित हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या उनकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उन्हीं का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों की, क्योंकि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। और कैसे हुआ विकास, जो ज्वालामुखी लावा और मैग्मा होता है उसके ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनी उसी को आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले किन चट्टान क्रमों का निर्माण हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए आर्कियन क्रम की चट्टानें।
अब हम देख लेते हैं कि ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये आखिर किससे निर्मित हैं। तो ये ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है, यानी कि इनका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से हुआ है। बाद बाकी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे और जीवों के अंश इनमें दबे हुए होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जिन चट्टानों का निर्माण लावा और मैग्मा से होता है उनमें मुख्यतः जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि इन आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का प्रसार भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड। तो ये भारत के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का प्रसार है या फिर जहाँ ये पाई जाती हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार इनकी अवस्थिति के संदर्भ में पूछा जाता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड। बाद बाकी मैंने यहाँ पर मैप इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर बहुत छोटी छोटी जगहों पर इनकी अवस्थिति है। तो आप अगर इनको मैप के माध्यम से कवर करना चाहते हैं तो आप एक ब्लैंक मैप लाइए और उसमें क्या करिए इन चट्टानों को अवस्थिति को दर्शा दीजिए और उसको फिर अपने पास रख लीजिए और उसको डेली रिवीजन के समय देखते रहिए। खैर, मैंने आपको क्षेत्र बता दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि संसाधन का क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन चट्टानों में खनिज संसाधन तो पाए जाते हैं, यानी कि ये खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत समृद्ध हैं। लेकिन क्या है कि इनकी जो संरचना है वो कैसी है, वो बहुत जटिल है और इसी के चलते इन संसाधनों का दोहन यहाँ से नहीं हो पाता है। यानी कि इन आर्कियन क्रम की चट्टानों में संसाधन तो बहुत पाए जाते हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि इनकी संरचना इतनी जटिल है कि उन संसाधनों को निकालना यहाँ से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद देखो अगले क्रम की चट्टानें जो भारत में पाई जाती हैं वो हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, और इन चट्टानों का नाम पड़ा है कहाँ से, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास भी कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। और इनका नामकरण कहाँ पर कैसे हुआ है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके प्रसार को कि आखिर ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बात करें तो ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र पर, छोटा नागपुर पठार पर, मेघालय के शिलोंग पठार पर, ठीक है, इनका विकास हुआ है। और बाद बाकी हिमालय की तरफ अगर हम लोग देखें तो लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं श्रेणी में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखो मैप मैंने इसीलिए नहीं लगाया कि आप बार बार वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी वो भी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र पर थी, और जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो भी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र पर हैं। मेघालय के शिलोंग पठार पर भी आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, और ये देखिए आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी हैं। इसीलिए मैंने नहीं लगाया कि आप कन्फ्यूज ना हो। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातों को सुन लीजिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये चट्टानें, ये तो आपको पता ही चल गया कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। बाद बाकी देखा जाए कि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न हैं। ठीक है, और इनमें देखो क्या क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है लौह अयस्क,
मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक और तांबा आदि जैसे सभी प्रमुख खनिज इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहा है कि जो कोलार व हट्टी की खाने हैं जिनमें कि सोना पाया जाता है, और ये चट्टानें भी इस धारवाड़ क्रम के अंतर्गत ही आती हैं। और ये जो कोलार हट्टी की खाने हैं ये कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। ठीक है, तो कोलार व हट्टी की खाने अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन चट्टान क्रमों के अंतर्गत आती हैं, तो धारवाड़ चट्टान क्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। आपने सब कुछ देख लिया कहाँ पर स्थित हैं, खनिज संसाधन की दृष्टि से भी इनको देख लिया, बाद बाकी कोलार व हट्टी की खाने भी इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखो अगली जो चट्टान क्रम है भारत में वो है कुड़प्पा, और कुड़प्पा ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा में पाई जाती हैं। ठीक है, कुड़प्पा भी आंध्र प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, अब देखो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी उनकी अपेक्षा जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी वो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही रिच थी, यानी कि बहुत ही समृद्ध थी और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं वो उनसे थोड़ा आर्थिक दृष्टि यानी कि खनिज संसाधन की दृष्टि से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें भी कुछ खनिज पाए जाते हैं या फिर कुछ वस्तुएं पाई जाती हैं जिनका कि प्रयोग है। जैसे कि चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार इन्हीं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक विस्तार किन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। बाद बाकी इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर तो पाया ही जाता है सबसे ज्यादा, उसके बाद एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। बाद बाकी इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा में। अवस्थिति की बात हो गई इनकी, आर्थिक दृष्टि से ये धारवाड़ से कम महत्वपूर्ण है। उसके बाद इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, बाद बाकी बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर भी यहाँ पर पाया जाता है, बाद बाकी इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। उसके बाद देखो विंध्यन क्रम के चट्टानों की बात करें, ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें थी उनमें ही अपसादीकरण और निक्षेपीकरण से विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। अपसाद मतलब मलबा, जब समय हमेशा चलता रहता है तो अपरदन के कारण क्या होता है कि चट्टानें टूटती हैं, और उन्हीं के टूटने से जो मलबा होता है उसे अपसादीकरण बोलते हैं, और वही मलबा जब दोबारा से इकट्ठा होता है तो उसे निक्षेपीकरण बोलते हैं। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपसादीकरण एवं निक्षेपीकरण से इन विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। ठीक है, और अब इनकी अवस्थिति की बात करें तो ये मुख्यतः विंध्याचल पर्वत पर पाई जाती हैं। अभी आपको शायद पता ना हो विंध्याचल पर्वत कहाँ है, लेकिन जब हम लोग भारत की भूआकृतिक प्रदेशों की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये विंध्याचल पर्वत कहाँ है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि विंध्यन मतलब विंध्याचल पर्वत पर ये चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बाद बाकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन चट्टान क्रम से पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये बन के आपके सामने आता है कि मकान निर्माण की वस्तुएं या फिर चीजें या फिर सामग्री किन क्रम की चट्टानों पर सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं, तो वो विंध्यन क्रम की चट्टानों पर। तो मकान निर्माण की चीजें जो होती हैं जैसे चूना, संगमरमर आदि, इन विंध्यन क्रम की चट्टानों पर मिलता है। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है और आंध्र प्रदेश में जो गोलकुंडा की खान है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? हीरा। इन पन्ना की खान और जो आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान है इनमें क्या पाया जाता है? हीरा। और यह जो
खाने हैं ये भी विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। कौन कौन? मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। बाद बाकी मकान निर्माण की सामग्री भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में बहुतायत मात्रा में मिलती है। बाद बाकी क्या क्या मिलता है? चूना, संगमरमर, ठीक है। बाद बाकी चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर कुड़प्पा क्रम पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो इनका जो मुख्यतः फैलाव है वो जो नदी घाटियां हैं जैसे दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, तो इन नदी घाटियों में इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 98% कोयला किन चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है, तो वो इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। बाद बाकी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये 98% कोयला गोंडवाना लैंड की चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है तो वो किस प्रकार का होता है? वो होता है बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है। आपको भी पता होगा कि कोयले के चार प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, बिटुमिनस होता है। चार प्रकार के कोयला होते हैं, तो उनमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये हो गया पूरा आपका भारत का चट्टान क्रम। आगे भी देख लेते हैं, हाँ और है अभी दक्कन ट्रैप, ठीक है। जो दक्कन ट्रैप की चट्टाने हैं इनका निर्माण ही सबसे पहले देखें तो इनका जो काल है वो है क्रिटेशियस काल, ठीक है। जो जो पूछा जाता है उसी के आधार पर सारी चीजों को यहाँ पर नोट्स में समाहित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्कन ट्रैप की जो चट्टाने हैं वो क्रिटेशियस काल में लावा से निर्मित हुई हैं। अब अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो दक्कन ट्रैप की चट्टाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। जो दक्कन का पठार है वहीं पर इन दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार हुआ है। और इनका फैलाव अगर राज्य के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। बाद बाकी ये कैसी हैं? ये बेसाल्ट चट्टानें हैं और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दक्कन के पठार पर आप सबको पता है कि काली मिट्टी का विकास हुआ है। और क्यों? क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं वो लावा से निर्मित होती हैं और जब इनके अपक्षय या अपरदन की प्रक्रिया से काली मृदा का निर्माण होता है तो इसी कारण इस दक्कन ट्रैप की चट्टान पर काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्कन ट्रैप खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में खनिज संसाधन मिलते हैं। तो ये बात हो गई दक्कन ट्रैप की। उसके बाद देखो टर्सरी क्रम की चट्टान, टर्सरी क्रम की चट्टान की बात करें तो ये कश्मीर से लेके असम तक फैली हुई है, यानी कि भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो टर्सरी क्रम की चट्टानों का फैलाव कहाँ से है? कश्मीर से लेके असम तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी इन टर्सरी क्रम की चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयला पाया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोयले की चार प्रकार होते हैं, सबसे बढ़िया जैसे लिग्नाइट होता है और सबसे घटिया जो होता है वो होता है पीट, यानी कि सबसे निम्न स्तरीय। तो पीट प्रकार का कोयला ही इन टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बाद बाकी हम बात करें तो भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो भी इन टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर खनिज संसाधन की दृष्टि से देखो हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ हमें दो ऊर्जा खनिज मिल रहे हैं, एक तो निम्न स्तरीय कोयला जो कि पीट प्रकार का है और दूसरा मिल रहा है हम लोगों को पेट्रोलियम, ठीक है। और बात बाकी हमने इनके फैलाव की बात कर ही ली, ये कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं। तो ये हो गया भारत का पूरा भूगर्भिक संरचना और सभी हमने जो चट्टान के प्रकार थे वो देख लिए। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन जो भी बन सकते हैं उनके संदर्भ में हम लोगों ने सारी चर्चा कर ली है। बाद बाकी यहाँ से मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ बता दूँ किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है इस पूरी क्लास से, कि
सबसे पहले तो आपको इनकी अवस्थिति देखनी है कि कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। फिर उनमें क्या क्या खनिज पाए जाते हैं वो आप देख लेना, जीवाश्म का अभाव किसमें है, ये सारी चीज़ें देख लेना। बाद बाकी हाँ इतना ही है, बाद बाकी और मैं देख लेता हूँ अगर एक आध चीज़ मिस हो तो। खनिज में ही एक चीज़ और आ जाएगी, कौन कौन सी खान है, ठीक है। जैसे कोलार हट्टी की बात की, पन्ना की गोलकुंडा की खान की बात की हम लोगों ने, तो वो भी देख लेना कि वो किन खानों किन चट्टान क्रमों के अंतर्गत ये खानें आ रही हैं। तो अवस्थिति, खनिज संसाधन देख लेना और जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं। तो ये हो गई अपनी पूरी क्लास खत्म। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। बाद बाकी आप जो पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देखिए, तब यहाँ पर पहुँचिए, ताकि आप मेरे साथ साथ इस पूरे आरओ यारो के सिलेबस को ख़त्म कर सकें। और टेस्ट सीरीज की जानकारी मैंने आपको दे ही दी। बाद बाकी आप फ्री क्विज यानी कि डेली जो 20 क्वेश्चन आरओ यारो के आपको सॉल्व करने को मिलते हैं, और करंट अफेयर्स और बाद बाकी बहुत सी फ्री सामग्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की जाती है, तो आप उससे भी जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं भारतीय भूगोल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप वीडियो को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए।